हेलो एंड वेलकम फ्रेंड हेल्पफुल आसन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ही सेकंड में 20 से 25 सेकंड के अंदर आप अपना तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों गर्मियों के सीज़न में तत्काल टिकट की मारामारी चलने लगती है, जिसकी वजह से तत्काल टिकट जल्दी नहीं बुक हो पाता है। तो मैंने आज एक एक्सटेंशन और ढूंढा हुआ है, जिसकी वजह से आप तत्काल टिकट बहुत ही आसानी से वेरी फास्ट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हेल्पफुल रास्ता नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान है का, उसको दबा लीजिएगा तो जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ सबसे पहले मैं गूगल खोलूँगा, आपको सबसे पहले गूगल खोलना है। ठीक है, यहाँ पर गूगल देख सकते हैं, गूगल खोलेंगे, उसके ऊपर टाइप करेंगे क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर ये टाइप करेंगे, इसके बाद पहला लिंक खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम वेब स्टोर खोलने के बाद यहाँ पर पहला लिंक खुलकर आएगा, यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर पर ये लेकर जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ सर्च का एक कॉर्नर दिखाई देगा, इसमें आपको सर्च करना है माई रेल इन्फो। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है माई रेल इन्फो। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसमें स्पेस नहीं देना है माई रेल इन्फो में, ये पूरा ऐसे ही से टाइप कर लेना है। तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन खोल कर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई रेल इन्फो का, उसके साइड में ऐड टू क्रोम लिख कर आएगा। यहाँ पर इस पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर लेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन लिख कर आएगा, इस पर भी आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन करेंगे 5 सेकंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है, यहाँ पर रेटेड लिख कर आएगा, तो समझ लिए कि ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में सबसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये इसका एक्सटेंशन का लोगो बन कर आ गया है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के एक IRCTC का ऑटो फिल का फॉर्म खुल कर आ जाएगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आपको ID और पासवर्ड अपना डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ID और पासवर्ड, उसके बाद मैं ID पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर, और सारी डिटेल आपको फिल करनी है जहाँ का तत्काल टिकट आपको चाहिए। ठीक है, राइट साइड में सबसे ऊपर की तरफ आपको सारी डिटेल भरनी होगी, कहाँ से कहाँ तक जाना है और किस डेट में जाना है। ठीक है, और कौन सी ट्रेन में जाना है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली से मुंबई। ठीक है, ये मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर न्यू दिल्ली से मुंबई 2 तारीख में, और यहाँ पर ट्रेन नंबर मैं डाल देता हूँ। ये ट्रेन अवेलेबल होगी नहीं, आई नो कि ये ट्रेन अवेलेबिलिटी इसमें होगी नहीं, तो मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ कि कैसे फास्ट बुकिंग होगी, तो आप वैसे ही करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म खोल कर आएगा, इसमें आपको सारी डिटेल भर देनी है कस्टमर की। तो कस्टमर की डिटेल जो भरनी हो मैं आपको बता दूँ, नाम होगा, उम्र होगी, मेल फीमेल होगा, उसके बाद बर्थ सिलेक्शन होगा कि आप कौन सी बर्थ चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सेव पैसेंजर लिस्ट में वो टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नाम, उम्र और मेल फीमेल होगा, और यहाँ पर लोअर, यहाँ पर आप तत्काल टिकट जो होता है वो 4 लोगों का एक साथ बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो बुक ओनली कंफर्म बर्थ पर ज़रूर टिक कर दिएगा, तो कंफर्म ही बर्थ बुक होगी, वरना वेटिंग का टिकट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है या ATM कार्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट की हुई है SBI की, और यहाँ पर मैं अपना ID डाले दे रहा हूँ, पासवर्ड मैं नहीं डालूंगा, पासवर्ड मैं आपसे भी नहीं कहता हूं। तो ये सिक्योर पेमेंट ऑप्शन होगा एक, यहाँ पर अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, ठीक है, तो आप पासवर्ड ना डालें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव फॉर्म का एक ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी सारी डिटेल सेव कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई विंडो क्लोज नहीं करनी है, फिर IRCTC खोलना है। ठीक है, IRCTC पर ये अपनी लॉगिन ID पासवर्ड ऑटोमेटिक तो ले ही लेगा, उसके बाद कैप्चा डालना है आपको, और ठीक 11 बजे अगर आप स्लीपर क्लास कर रहे हैं तो ठीक 11 बजे जैसे ही ओके करेंगे आपको इस तरह से खुल कर आएगा। देखिए इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मैनुअली मांग रहा है कि आप कौन सी ट्रेन में बुक करना चाहते हैं, वरना इस पर क्लिक ना करना पड़ता, मुझे सिर्फ 2 क्लिक करना पड़ेगा, बुक पे और स्लीपर क्लास पे। ठीक है,
इसके बाद मुझे कोई क्लिक नहीं करना पड़ेगा, कैप्चा आ गया यहाँ पर, कैप्चा मैं टाइप कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कैप्चा टाइप किया, एंटर किया, उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट वाले पेज पे चला गया। मुझे आईडी अगर सही पड़ी होती और मैं पासवर्ड यहाँ पर डालता तो ये टिकट बुक हो गया होता। तो आप देख सकते हैं 15 से 20 सेकेंड के अंदर मुश्किल से ये समझ लिए मेरा टिकट बुक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही तेज़ी के साथ टिकट बुक कर सकते हैं, ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करेगा। तो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिए अपने क्रोम में, ये सिर्फ क्रोम में ही चलेगा, ठीक है, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर नहीं चलेगा। तो आप ये क्रोम में एक बार यूज़ करके देख लें, काफ़ी हेल्प होगी इससे भी आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को हेल्पफुल रास्ता को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आप तक वीडियो पहुंच जाया करेगा, ठीक है, आप उसे देख लेंगे, हो सकता है कि इस बहाने कुछ हेल्प हो जाए आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।